नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसके शुक्रवार तक चक्रवात में बदलने की आशंका है। इस वजह से ओडिशा के उत्तरी जिलों, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी, उसमें आम आदमी पार्टी भी होगी। गठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में चुनावी प्रचार के दौरान ये बातें कही। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, और इस बार वजह उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनके बड़े भाई हैं। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई अयाजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अयाजुद्दीन को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन पर जालसाजी का गंभीर आरोप लगा है। बता दें ये पहली बार नहीं जब उन्हें पकड़ा गया है, इसके पहले भी अयाजुद्दीन को अरेस्ट किया गया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई है। वहीं इस हार के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 के बाहर हो गई है। एक समय लीग स्टेज में अंक तालिका में सबसे नीचे रहने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार वापसी की और लगातार 6 मैचों में जीत दर्ज करते हुए असंभव सा लगने वाला काम संभव करते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग उठाई है। साथ ही साथ उनके भारत वापसी के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसके बाद विदेश मंत्रालय एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सभी दल अब 6ठे और 7वें चरण की वोटिंग के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि चुनाव के बीच विपक्षी दलों ने वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत के पूरे आंकड़े जारी होने में देरी को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में कोर्ट से मतदान केंद्रवार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि मतदान प्रतिशत केंद्रवार आंकड़े जारी करने से अराजकता फैल जाएगी। भले ही आमिर खान और किरण राव ने अपने रास्ते अलग कर लिए हों, लेकिन ये एक्स कपल आज भी अच्छे दोस्त हैं। बता दें इस कपल ने साल 2005 में शादी की थी और साल 2021 में सोशल मीडिया पर अपने तलाक का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया था। किरण ने अब अपनी शादी को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर शादी की थी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को जगदलपुर में नक्सलियों से वार्ता की दिशा में कदम और आगे बढ़ाते हुए पुनर्वास नीति सुझाव के लिए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी कर माओवादियों से आग्रह किया है कि वे स्वयं बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। भारतीय सैन्य सेवाओं में भर्ती की नई व्यवस्था अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर सरकार या सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबरें हैं कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है जिसमें अग्निवीरों से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर को जानना है। संभावनाएं हैं कि सर्वे इस महीने के अंत तक खत्म हो सकता है। अभिनेता अनुपम खेर का एक फर्जी वीडियो सामने आया है। इसे खुद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर साझा कर चिंता जताई है। इस वीडियो में अनुपम खेर की आवाज का अवैध इस्तेमाल एक सट्टेबाजी ऐप में किया गया है। अनुपम खेर ने फर्जी सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी है। अनुपम खेर से पहले और भी कई सितारे डीप फेक वीडियो के शिकार हो चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने एक अनूठे कार्यक्रम की तैयारी की है। 23 मई से शाम 6:15 से पटना के मरीन ड्राइव पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन होगा, जो 26 मई तक प्रतिदिन शाम 6:15 बजे होगा। इस प्रस्तुति में ड्रोन से आसमान में 200 फीट की ऊंचाई पर लगभग 3000 मीटर की चौड़ाई में दिखाई जाएगी विविध कलाकृतियां, जिससे लोगों को केंद्र सरकार और उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक महिला ने एक व्यक्ति के नकली मतदाता पहचान पत्र पर निष्क्रियता के लिए चांगलांग जिले में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि महिला ने पिछले साल जून में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।
भारतीय वायुसेना ने एक्सपर्ट ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। IFC-130J विमान ने पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत नाइट विजन चश्मे की सहायता से सफल लैंडिंग की। वायुसेना क्षमताओं का विस्तार कर रहा है या देश की संप्रभुता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। गुरुवार को MCX पर सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी की कीमतों में तो आज 2000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है और यह 91,000 रुपए प्रति किलोग्राम से भी नीचे आ गई है। चांदी के अलावा वायदा बाजार में सोने के भाव में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और यह कल के मुकाबले 600 रुपए तक सस्ता होकर 72,400 के पास आ गया है। फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी और अपनी अन्य मांगों को मनवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को बुधवार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शंभू बॉर्डर और अन्य बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसानों ने 13 फरवरी से शंभू और खनौड़ी सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक हाई रिस्क वाली चेतावनी जारी की है। अपने लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी नोट में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च टीम ने गूगल के ब्राउजर में कई बड़ी खामियों के बारे में बताया है, जिसका हैकर्स फायदा उठाकर यूजर्स के डिवाइस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, यहां तक कि उनके डाटा को भी चोरी कर सकते हैं। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। बंगाल CID ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सांसद अनार के दोस्त ने ही हत्या के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जामान खान ने बुधवार को कहा था कि अनार 13 मई से लापता है। वे कोलकाता में थे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अलग अलग निर्देशों को लेकर लगातार सामने आ रहे पत्रों से खलबली मची हुई है। इसमें कुछ पत्रों को फर्जी भी बताया जा रहा है। अभी एक पत्र सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसमें शिक्षकों को सुबह 5:45 बजे तक स्कूल पहुंचने के लिए निर्देश दिया गया था। मुंगेर समेत कुछ जिलों में ऐसा निर्देश वाला पत्र सामने आया था, हालांकि अब विभाग ने इसका खंडन किया है। विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन बाबा साहब के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। ये बातें बुधवार को रामनगर भैरवगंज मुख्य सड़क पर एक विवाह भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कही। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आज 23 मई को कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के लिए उत्तर कुंजी चुनौती विंडो बंद कर देगा। जो छात्र बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे और उत्तर कुंजी को चुनौती देना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। संगरूर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खेरा के बिहारी लोगों को लेकर दिए गए बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसको लेकर सुखपाल सिंह खेरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कभी भी बिहार के लोगों के खिलाफ नहीं बोला। बता दें कि बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब के कांग्रेस नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। करीब 3.5 साल बाद गृह विभाग ने राकेश दुबे को निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर उन्हें इस अपेक्षा के साथ निलंबन मुक्त किया गया है कि वे अपने विरुद्ध संचालित विभागीय एवं आपराधिक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। उन्हें बिहार पुलिस मुख्यालय में पद स्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने को कहा गया है। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बहुल इलाके में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपए भेजने का काम करेंगे। पूर्व CM जीतन राम मांझी ने बुधवार को छपरा गोलीकांड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मतदान हुआ उसके बाद यह घटना हुई है, लेकिन घटना से पहले उसके पूर्व मतदान केंद्र पर राजद के प्रत्याशी और कार्यकर्ता गए थे, वहां तनाव फैला दिया और फिर तनाव की स्थिति में ही मतदान हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर आग में घी डालने का काम कौन किया। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने इंडी गठबंधन का एजेंडा बताया और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि वो प्रधानमंत्री को पीरजादा क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभा में मुझे शहजादा कहते हैं, इसलिए मैं उनको पीरजादा कहता हूँ। पीरजादा का मतलब बुजुर्ग होता है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को BJP ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मालूम हो कि पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
यहीं से एनडीए समर्पित उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। इसी पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राजनीति एक जनसेवा है, जहां सिनेमाई लटको झटको से काम नहीं चलता। बिहार की बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों मामले के आरोपी और जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। नंद किशोर पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया था। नंद किशोर उर्फ राज किशोर उर्फ किशोर महतो पर बलिया में कई मामले दर्ज है। मुजफ्फरपुर में मतदान खत्म होने के बाद अब उपभोक्ताओं को डिफॉर्मेंट चार्ज कटने का मैसेज आने लगा है। इसके चलते उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। इस बार बिजली बिल 10 मई से पहले ही बन गया, लेकिन चुनाव के दौरान कहीं हंगामा ना हो, इस कारण डिफॉर्मेंट चार्ज नहीं काटा गया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल के कुछ दिनों में दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी की 2019 वाली जीत का दावा किया है। उनके इस बयान का विपक्ष और विरोधी आलोचना कर रहे हैं। पीके ने आज एक ट्वीट किया और अपने आलोचकों पर तंज कसते हुए उन्हें 4 जून को भरपूर पानी पीने की सलाह दी है। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी से टिकट कटने के बाद लंबे समय तक पार्टी और चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाने वाले वरुण गांधी फाइनली पार्टी के प्रचार के लिए आगे आए हैं। अपनी माँ और सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे वरुण ने लोगों को संबोधित किया और अपनी माँ के लिए वोट मांगे। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गौरव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि फेक वीडियो और मैसेज से बचने के लिए आप क्या उपाय करते हैं। अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर दें। धन्यवाद।